Just a moment ago, didn't know the perfect ego, kept following birthday fuel. I'm not told that I'm worth leaving, step behind all the things people do as if it's all of mine. Now we won't, and isn't it funny to have a walking sign like that? कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें हर रोज करना पड़ता है और इन्हीं सब कामों के साथ शुरू होता है मेरी दिन की शुरुआत। आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी रोटी और पोटैटो फ्राई। एक्चुअली कल रात को ही मैंने आटा थोड़ा ज़्यादा ही गूंद के रखा था और अभी फटाफट ब्रेकफास्ट बना लेंगे और उसके बाद बाकी का काम करेंगे। और आज संडे है तो लंच भी कुछ स्पेशल ही बनेगा, तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट बना लेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद लंच की प्रिपरेशन करेंगे। Just a moment ago, didn't know the perfect ego, kept following birthday fuel. I'm not told that I'm worth leaving, step behind all the things people do as if it's all of mine. Now we won't, and isn't it funny to have a walking sign like that? अभी तूतून को लग गई है भूख, इसलिए तूतून को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है और तूतून अभी ब्रेकफास्ट कर रही है। से हाय। गुड मॉर्निंग। आज जल्दी जल्दी भूख लग गई है तूतून को। हाँ। चलो जल्दी खा लो। तूतून का ब्रेकफास्ट होने के बाद फिर वो जाएगी नहाने के लिए और मैं करूँगी घर का कुछ काम, साफ सफाई वगैरह, क्लीनिंग जो रहता है रेगुलर का वो करने के बाद फिर मैं नहा के किचन में जाऊंगी। Just a moment ago, been on the perfect ego, kept following birds you. इसके लिए पहले आज होगा उसका हेयर में ऑयल मसाज। एक्चुअली बाकी का दिन तूतून खुद कर लेती है और संडे रहता है स्पेशल डे जब मैं खुद उसके बालों में ऑयल लगा के ऑयल मसाज करके देती हूँ और फिर उस दिन वो नहाने के मतलब उसके बाद वो नहाने के लिए जाती है। और आज संडे है तो शैम्पू भी होता है, तो पूरा आधे घंटे उसके बालों में ऑयल मसाज करने के बाद वो थोड़ा रेस्ट हो देने के बाद उसके बाद नहाने के लिए जाएगी तूतून और शैम्पू वगैरह करेगी। तो चलिए पहले कर लेते हैं तूतून के बालों में ऑयल मसाज।
as I fall out from the sky, and I'm wondering what I do. Just a moment ago, didn't know the perfect ego, kept following birds a few. I'm not told that I'm born to leave and step behind all the things people do as if it's all of mine. Now it won't, and isn't it funny to have. Hey, मेरा नहाना हो गया है, मेरी पूजा भी हो गई है, अभी मैं बनाने जा रही हूँ लंच. और आज संडे है तो स्पेशल तो कुछ बनता है. आज दोपहर में लंच में बनेगा चिकन, और चिकन के साथ मैं बनाऊंगी करेला. और चिकन सोच रही हूँ कुछ अलग स्टाइल में बनाऊं, क्योंकि चिकन कौशा एंड चिकन करी ये सब तो चलता रहता है हमेशा. तो आज कुछ अलग प्रिपरेशन, कुछ अलग रेसिपी होगा. चिकन का तूतून भी बोल रही है मम्मी कुछ अलग ट्राई करो, तो कुछ अलग मैं ट्राई करूँगी आज. तो चलिए देखते हैं आज क्या बनाते हैं. आज मैं बना रही हूँ डक बंगला चिकन. तो इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट्स है चिकन, और उसके साथ चाहिए होता है बॉयल्ड एग और बॉयल्ड पोटैटो. तो मैंने अभी अंडे को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है बॉयल्ड अंडे को, और आलू भी मैंने बॉयल करके, हल्का सा बॉयल करके फ्राई करके रखा है साइड में. अभी मैं थोड़ा सा हल्दी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि एक बॉयल्ड एग फ्राई करते वक्त अगर आप टर्मरिक या हल्दी डाल देते हो तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है. इसको अंडे को हल्के से ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, और फिर मैं बाकी का प्रोसीड्योर स्टार्ट करूँगी. अभी मैं ऑयल में डाल रही हूँ खड़े मसाले. इसमें मैंने लिया है 2 छोटी इलायची, 3 से 4 लवंग, और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा. और ये मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बना रही हूँ. ये रेसिपी बेसिकली मस्टर्ड ऑयल में ही बनता है, और अगर आप चाहे तो वाइट ऑयल भी ले सकते हैं. अभी मैंने ऐड कर दिया है अनियन. मैंने 2 अनियन लिया था फाइनली चॉप्ड करके. अभी इसको ऑयल में आप अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए. फ्राई तब तक कीजिए जब तक ना इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए. अभी गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम ऐड करेंगे बाकी के मसाले साथ. देख लीजिए मेरा अनियन अच्छी तरह से फ्राई हो गया. अभी मैं मिक्स करूँगी इसके साथ मेरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट. मैंने इस के लिए 25 to 30 पॉड्स ऑफ गार्लिक लिया था, एक छोटा सा जिंजर का टुकड़ा और एक चिली. ये तीनों को एक साथ मैंने पेस्ट कर लिया है. अभी उस पेस्ट का हाफ मैंने मेरे चिकन को मैरिनेट करते वक्त यूज़ किया है, और बाकी हाफ अनियन के साथ मैंने डाल दिया है. और ये मसाला मैं अभी अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक ना इसका स्मेल वेव ऑफ हो जाए. और मैंने थोड़ा सा हल्दी इसमें ऐड कर लिया है. इसको अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है. ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है अभी, और अभी मैं इसके साथ ऐड करूँगी मेरा मैरिनेट किया हुआ चिकन. मैंने चिकन को मैरिनेट करते वक्त 2 चम्मच भर के दही ऐड किया था, और उसके साथ 2 हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भर के सॉल्ट, और 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल. मैरिनेशन के टाइम पे मैंने ये सब ऐड करके इसको अच्छी तरह से मैरिनेट किया था. चिकन को आप जितने अच्छी तरह से मैरिनेट करोगे वो उसका टेस्ट उतना अच्छा आएगा. और इसको मैंने हाफ से आधे एक घंटा तक मैरिनेट करके रखा था. आप चाहे तो इसको आधा घंटा भी रख सकते हैं, पर जितना टाइम तक आप मैरिनेट करके रखोगे
ये मसाला इस चिकन के अंदर उतना जल्दी उतना अच्छी तरह से जाएगा। और आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हो मैरिनेट करके, या बाहर भी रख सकते हो। तो अभी मैं चिकन को डाल दिया है, इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ मैं मिक्स कर लूँगी और 15 से 20 मिनट तक मैं इसको इस तरह से अच्छी तरह से पका लूँगी, थोड़ा सा लिड डाल के, क्योंकि लिड डालने के डालने से ये जो कुकिंग का टाइम है वो थोड़ा जल्दी होता है और जो मसाले वगैरह का स्मेल है वो भी इंटैक्ट रहता है। Just a moment ago, didn't know the perfect ego, kept following birds a few. I'm not told that I'm bored to leave and step behind, all the things people do as if it's all of mine. Now it won't, and isn't it funny to have a walking sign like that? चलिए, हम लोगों का लंच तैयार हो गया है और ये है करेला कद्दू की भाजी। ये हम खाने में बहुत अच्छा लगता है राइस के साथ। मैं इस रेसिपी को मोस्टली बनाती हूँ, अच्छा लगता है। और आज तूतून तो ये नहीं लेगी, नहीं तो तूतून भी थोड़ा सा लेती है। आज चिकन है तो मैंने डायरेक्ट तूतून को चिकन ही सर्व कर दूँगी, क्योंकि उसका चिकन फेवरेट है। मैं कभी कभी बोलती हूँ उसको थोड़ा सा करेला भी खाने के लिए, वो खाती भी है, पर आज चिकन है इसलिए करेला तो नहीं लेगी। तो चलिए ठीक है, मैंने तूतून को चिकन सर्व कर दिया है और अभी हम लोग लंच करेंगे। जो कर लेते हैं लंच। तो हम लोगों का लंच हो गया है और मैं अभी आ गई हूँ तूतून के रूम में। और तूतून अभी बैठी है, उसको कुछ बुक्स वगैरह पढ़ना है, मेरा भी कुछ अपना काम है, मैं वो काम करूँगी और तूतून पढ़ेगी बुक्स और अरिंदम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए, हम लोग थोड़ा थोड़ा जो काम बाकी है वो सब अपना अपना काम कंप्लीट करके फिर बात करते हैं। गुड इवनिंग, अभी शाम हो चुकी है और अभी मेरा दिया भी दिखाना हो गया है। अभी मैं बनाऊंगी चाय। दोपहर को तूतून ने तो अपना स्टोरी बुक कंप्लीट कर लिया और मेरा जो काम था वो आधा अधूरा ही हुआ है, बाकी का आधा अभी बाकी है। तो बाकी हाफ मैं कंप्लीट करूंगी चाय पीने के बाद। तो चलिए पहले चाय बना लेते हैं। चलिए, हम लोगों का चाय पीना हो गया है, अभी मैं बनाऊंगी डिनर। अभी बज रहे हैं 7:30, ऑलमोस्ट 7:45 एक्चुअली टाइम हुआ है। अभी हम लोग थोड़ा बातें कर रहे थे चाय पीते पीते, और फिर अभी मैं डिनर बनाने के लिए जाऊंगी थोड़ी ही देर में। उसके पहले छोटा मोटा दो चार काम है वो ख़त्म कर लूँगी। और तूतून है अपने घर में, वो कुछ ड्राइंग वगैरह कर रही है। तो चलिए, आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी। और आप अगर आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ जो मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।